हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुष्काज हैप्पी वर्ल्ड। सो हम लोग आ गए थे चंदौसी 2-3 डेज बैक ही और मैंने ब्लॉग आज स्टार्ट किया है। तो आज है 14th फेब। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, माय वैलेंटाइन इज हेयर। सो हम लोग जा रहे हैं कल, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी शादी को 1 साल लाइक होने वाला है और हम लोग मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और डोडो भी सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी हिल स्टेशन पे, तो मैं आप लोगों को उसका जगह का नाम वहाँ पे जाके भी बताने वाली हूँ सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग ट्रैवल करने वाले, तो हम लोगों ने मम्मी पापा को भी बोला आप लोग भी चलो, सब लोग चलते हैं एंड एन्जॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं हमारा 1 ईयर ऑफ टुगेदरनेस। सो यस, तो हम लोग निकलने वाले थे, मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ बिकॉज़ बहुत टाइम हो गया ब्लॉग नहीं आ रहा था और ऑफिस वगैरह के चक्कर में इतना ज़्यादा काम था ना कि मैं कल तक भी काम ही कर रही थी, इसलिए हम लोगों ने आज निकलने का सोचा। तो इसलिए तो चलो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी इस जर्नी में भी और मेरे सारे सेलिब्रेशंस में। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग मेरे संग रहने वाले हैं तो आप लोग होंगे और आप लोग सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो चलो चलते हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बाय बाय। अब हम लोग रुक गए हैं एक तुलारामस ग्रैंड रेस्टोरेंट करके है, हम लोग ने धामपुर अभी क्रॉस किया है और ये हमारा हरिद्वार के रास्ते में पड़ता है। अभी मैं आप लोग को डेस्टिनेशन नहीं बता रही कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट हाँ हम लोग हरिद्वार मिडवे में आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो यस, मैं आप लोगों को खाने का टेस्ट तभी बताऊंगी और रिकमेंड भी तभी करूंगी जब मैं खा लूंगी। तो चलो अंदर चलते हैं और मैं आपको बैक कैम करके एक बार रेस्टोरेंट का लुक दिखा देती हूँ। तो चलो, सो ये ऐसे हाईवे से यहाँ पे है ये तू, और वो आप लोग देख सकते हैं सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। चलो फिर ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। बहुत ही प्यारा वैलेंटाइन डे के लिए सजा रखा है इन लोगों ने ऐसा। तो चलो अंदर चलते हैं आप। भूखे बैठे हुए तो हम लोगों ने लिया है पनीर लबाबदार, दाल तड़का, रायता, बूंदी रायता खुशी ने लिए, ये चाउमीन और नान और तंदूरी रोटी इधर उछल रही है और जीरा राइस। सो खाना वाना सब हो गया है और बढ़िया खाना था एकदम। आप लोग पक्का से आ सकते हो और खा सकते हो, यहाँ पे अच्छा है, मैं रिकमेंड करूंगी। हम लोगों ने पनीर वगैरह सब लिया था, बहुत ही अच्छा था, बस एक रायता बूंदी रायता अच्छा नहीं था तो वो अवॉइड करना लेना। तो चलो अब हम लोगों की जर्नी फिर से स्टार्ट हो रही है, चलते हैं। तो हम लोग हरिद्वार पहुंच गए फाइनली, वी आर ऑन द हाईवे। सो हम लोग अभी इस रेस्टोरेंट में रुक के थोड़ा, मम्मी को चाय वाय पीनी है तो हम लोग वो उसके लिए रुक गए और थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं। हेलो हेलो लियो, उसे हटा रहे हो। दीदी की एनिवर्सरी की डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है, 12 बजे विश करेंगे हम उनको। मैंने उनका फ़ोन चुरा लिया व्लॉग बनाने के लिए। वो तो अभी लेट गए हैं दीदी जीरू। Mm. 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 M
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल रात में बिल्कुल भी वीडियो नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज एक तो ट्रैवलिंग की वजह से, और रात में सब लोग बातें बातें कर रहे थे। बहुत टाइम बाद हम लोग मिले ऐसे, एक साल तो हो ही गया दीदी और मुन्नू से और जीजू वगैरह सबसे मिलके। सो इसलिए बहुत ही प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया था और बहुत ही प्यारा ऐसे अरेंजमेंट किया। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। फाइनली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं मसूरी और धनौल्टी। सो ऊपर जाने वाले पहाड़ों पे, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अब अपडेट कर देती हूँ फाइनली हमारी डेस्टिनेशन, कि हम लोग कहाँ घूमने वाले। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। वो लोग सब बैठे हुए हैं, धूप ले रहे हैं, बहुत ही प्यारी धूप आ रही है यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को ऊपर जाके दिखाती हूँ, पूरे पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। लियो, यहाँ पे 3 डॉग्स हैं, वो देखो वो बैठा है, डेंजरस डुगू। हेलो, वहाँ पे बैठा है स्नूपी। हेलो स्नूपी, देखो सबकी पूछ हिल रही है। मैं ऊपर आ गई हूँ, मैं आप लोगों को व्यू दिखाने आ गई थी। इतना प्यारा व्यू है ना दीदी के घर से, बहुत ही ज़्यादा पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ। तो मैंने सोचा आप लोगों को व्यू दिखाई थी, मेरे बाल भी थोड़े सूख जाएंगे, अभी मैंने धोया था इसलिए। और अब हम लोग निकलेंगे बस ब्रेकफास्ट करके मसूरी के लिए। तो चलो मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ बैक कैमरा ऑन कर। देखो आप पहाड़ी पहाड़, और इतनी अच्छी धूप आ रही है ना यहाँ से। ऊपर चलते आओ, यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर से और आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से देखो आप कितना सही व्यू आ रहा है, पता है। और हमें जा रहे हैं वहाँ पे, उस वाले पहाड़ पे, मसूरी। आप लोग देख रहे हो वहाँ पे पूरा फॉग फॉग हो रहा है, मस्त मौसम हो रहा है वहाँ पे। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, और ये देखो आप पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ, मुझे कितना प्यारा लग रहा है पता है, यहाँ पे आके थोड़ा सुकून, नेचर से कनेक्टेड। हम लोग हो गए रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से घूमने उधर, देखो खुशी और आ रहे हैं। सो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा था जाने में, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग घूम के आते हैं, डोडो को नारियल पानी भी पीना था, तो हम लोग स्कूटी राइड पर निकल गए। आ गए, मिल गया हमें पानी। लेट ब्लॉगर है, बहुत मूवमेंट्स मिस कर देते हैं ये। जीजू को नारियल पानी देके कह रही है हैप्पी एनिवर्सरी। टू टू, ये देखो, ओह माय गॉड, कपल गोल्स। इन लोगों के कपल गोल्स चल रहे हैं वैलेंटाइन के अगले दिन। हमारी स्कूटी राइड, स्कूटी राइड पे जा रहे हैं आप, मजा आ रहा है रोड। मैं पहाड़ों पे स्कूटी पे ज्यादा मजा आते हैं कंपैरेटिवली कार से। यूहू, ये देखो आगे पाओ, फोर्ट है क्या ये वाला? नहीं, यहाँ से क्या हुआ था जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, हाँ, तब शायद यहाँ से तोपे चलाई गई देहरादून को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओ, तो यहाँ से पूरा देहरादून दिख जाता था, कुछ ऐसी बचा दियो बाद में करेंगे। शगन का ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब ऐसा ऐसा नहीं था लिया तुमने। फाइनली सेइंग गुड बाय, बाय मुन्नू, बाय बाय। चलो निकलने का टाइम हो गया है, अब जा रहे हैं फाइनली मसूरी। हम लोग पहुंच गए फाइनली मसूरी, एक्साइटेड है। यस, मैगी खाने के लिए करेंगे। मैगी खाने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे व्यू पॉइंट आ रहे हैं, हम लोग तो बहुत मजे करने वाले हैं। यहाँ पे कैप्स वेब सब मिल रही है, देखो सब कुछ लेंगे। सो हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी और हम लोगों को पसंद आई है एक, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है वो। और सारे देखे, एक ये था हॉलीडे, सॉरी हनीमून इन, तो इसमें अभी मेंटेनेंस चल रहा है तो अभी अवेलेबल नहीं है, वरना इसमें रुकते। तो इसके पास में ये एक और प्रॉपर्टी है, वो हमें बहुत ही प्यारी लगी, मैं आप लोगों को बालकनी से व्यू दिखाऊंगी, इतना सही आ रहा है ना। तो फाइनली हम लोग ये वाली बुक करने जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ प्रॉपर्टी।
ये है देखो आप लोग, मस्त है, डोडो जा रहे हैं। और यहाँ से व्यू मैं अभी आप लोगों को रूम का दिखाऊंगी ना, सही लग रहा है ना यार मतलब। और रिक्शे देखो यहाँ पे कैसे चलते हैं। सो ये है द थ्री ओक्स करके, द थ्री ओक्स बुटीक होटल, बहुत बढ़िया है। ऊपर से ना मुझे मतलब ऊपर बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों को चलती हूँ और दिखाती हूँ। सो फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर रूम में। सो हम लोग आ गए हैं और मैं अब आप लोगों को अपना रूम टूर कराती हूँ, आ जाओ। सो हम लोगों ने 302 और 303 लिए हैं सबसे ऊपर टॉप फ्लोर, और आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, इतना प्यारा व्यू है इस रूम का, मुझे इतना प्यारा लगा। आप लोग इधर से देखो मतलब, तो सही है, तो सही है पूरा। और यहाँ पे ऐसे बेड, और यहाँ पे एक छोटी सी कबर्ड है, देख सकते हो अच्छा है बदल, मतलब बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे ऐसे दे रखा है आराम से लगेज वगैरह आपका भी है, तो यहाँ पे छोटा सा टीवी है, एंड ये तो आप देख ही रहे हो मतलब मुझे इंटीरियर, और ये छोटा सा मिरर। एंड इधर आएंगे तो आप क्लीन और बहुत ही ज़्यादा नीट है, तो अगर आप लोग मसूरी आ रहे हैं तो आप लोग ये रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे है सारा, बहुत ही प्यार। तो ऐसे ही सेम रूम्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नॉन व्यू रूम्स हैं ये वाले इस साइड के, और वो हैं व्यू रूम्स। तो हमने दोनों माउंटेन व्यू रूम्स लिए हैं, तो थोड़े से कॉस्टली हैं। और यहाँ पे देखो सब लोग बैठे हुए हैं, इतना प्यारा है ये भी देखो, और यहाँ से व्यू। गई हूँ अब टेरेस पे और आप लोग देख सकते हो कितना सही व्यू आ रहा है, पता है, वाह यार। चाय मंगा ली गई है, पापा की भी कर दो। शाम होने आ गई है, अब रात होने वाली है, तो अब हम अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। डोडू भी रेडी हो गया, मैंने ये पहन लिया है कैप, कितना क्यूट लग रहा है डोडू, क्योंकि बहुत ठंड हो गई है बाहर, बहुत ही ज्यादा। आप लोग मौसम देख सकते हो पूरा फॉगी फॉगी सा हो गया है इसलिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं केक वगैरह लेने और पूरा सेलिब्रेशन का सामान, मैंने ग्लव्स वगैरह भी पहन लिए, इतने क्यूट से है ये ग्लव्स। तो चलो चलते हैं, खुशी भी रेडी है, सब लोग रेडी हो गए, चलो चलते हैं। और मैं अब देखते हैं कहाँ पे केक वगैरह मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे अब रात होने वाली है और यहाँ पे फाइंड आउट करना मुश्किल है। चलो लोग आ गए हैं यहाँ पे केक लेने, ये बेकरी है यहाँ पे, ये जो चौक है ना वहीं पे है ए कुमार करके। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे केक्स हैं, ये शॉप है, यहाँ से हमने केक ले लिया है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है पता है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलो अब चलते हैं उधर साइड और कुछ मैगी वैगी खाते हैं। सो हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं मोमोज और मैगी खाने के लिए, ये देखो आप मेरा ग्लव, तो अगर ठंड लगेगी तो ऐसे पहन सकती हूँ। तो यहाँ पे इतनी सही लाइटिंग हो गई है ना, और एकदम ठंड पड़ गई है, तो हम लोग को ऐसे मैगी खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोग रुक गए और अब मैगी वैगी खा के फिर जाएंगे होटल वापस। मैगी आ गई है हमारी और अब हम ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर से ऑर्डर करेंगे, अच्छी है तो देखो खुशी। मिर्ची है, अच्छी है। अभी मोमोज भी आ रहे हैं, मोमोज टाइम। अब हो गया ना, गरम गरम मोमोज, इतना अच्छा है। हम लोग घूम रहे हैं अभी माल रोड पे, मफिन, और खुशी एंजॉय कर रही है मफिन जो कि खत्म हो चुका है। दौड़े जा रहे हैं आगे, यहाँ से देखो आप पूरा वो दिख रहा है, यहाँ पूछेंगे कुछ ही, रुको। I know you're waiting till the morning comes, my bed. I just wanna be alone to feel free tonight. रात का ऐसा व्यू दिख रहा है, कितना सही दिख रहा है, बताए होटल
सो अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं अंदर होटल में। प्यारे से लग रहे सही में, ऐसे हिल स्टेशन में तो ऐसे वाले ही होना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी का नाम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है नेक्स्ट डे और अभी मैं और डोडो उठे हैं। मम्मी पापा भी उठ गए उधर, खुशी मम्मी पापा। रात में तो इतनी ठंड हो गई थी ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। वो तो सही है, वॉर्मर्स वगैरह सब लगे हुए हैं तो कोई इशू नहीं था, वरना तो बहुत ही ठंड हो रही थी। अंदर मैंने गाउन वगैरह पहना, स्लीवलेस, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जब हम लोग नीचे बाहर घूमने गए ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो हम लोग सब कुछ ऐसे पूरा अपने आप को पैक करके गए थे। बट इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब वर्थ हो गया। मैं आप लोगों को अभी बालकनी से व्यू दिखाती हूँ, इतना सुंदर हो रहा है, मतलब कुछ कहने की नहीं है। आई मैंने इनके मम्मी पापा को भी वीडियो कॉल किया और दिखाया, वो लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो चलो फिर अभी हम लोग रेडी होते हैं और अब निकलते हैं घूमने के लिए, बिकॉज़ कल तो हमने पूरा ट्रैवलिंग करा। और हम लोगों को ऐसा था कि एनिवर्सरी हमें आराम से धीरे धीरे करके सेलिब्रेट करनी है, ऐसे कुछ भागम दौड़ नहीं करनी। और अब अच्छे से एनिवर्सरी जैसे सेलिब्रेट हो गई है, तो अब हम आराम से घूम सकते हैं और आराम से सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आज से आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने वाली जो जो हम जाने वाले हैं। सो येस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। हम लोग हो गए हैं रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं गन हिल पॉइंट। सो हमारे होटल से लाइक माल रोड में जो होटल है ना, उसके पास में ही है, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस ही है। तो हम लोग ऊपर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा व्यू है, क्या क्या है वहाँ पे, बिकॉज़ मैं भी मसूरी पहली बार ही आई हूँ। हम लोगों ने होटल से चेकआउट नहीं किया है, वहीं पर सामान है और कार भी वहीं पर पार्क है। हम लोग वॉक करके सब लोग जा रहे हैं, पापा सब लोग। कितना 220 है ना पर पर्सन, 220 टिकट। सो ये देख सकते हो आप, मेरा रोपवे अभी स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आ रही है, देख सकते हो आप। सो वी आर वेटिंग। ये चेक कर रहा हूँ। वो स्नो ही है ना, वो जो ऊपर राइट में। हां हां हां, वहां तो स्नो है। कुछ देखने जा रही है अब। ये देखो यहां से व्यू। अच्छा, ये कौन सा मंदिर है? ये देवी मां का, पार्वती माता का। सो अगर आप गन हिल पॉइंट आ रहे हैं तो आप लोग पक्का आना। और यहाँ से कितना प्यारा व्यू है पता है, मतलब सही में पूरा वो दिख रहा है। हम लोग आ गए हैं अब हनुमान मंदिर, यहाँ पे शनिदेव भगवान जी का भी है, आप लोग दर्शन कर सकते हो। हाँ, बहुत ही प्यारा है। और वहाँ पे है गन व्यू पॉइंट, तो मैं अभी आप लोगों को वहाँ ले चलूँगी। ये
मैं बन गई बिल्कुल पहाड़ी। तो अब हम लोगों का हो गया है, बहुत सारा फ़ोटोशूट किया, बहुत सारी रील्स बनाई है हमने, तो आप लोग ज़रूर देखना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे। और अब हम लोग ये ड्रेस वगैरह उतारते हैं और चलते हैं नीचे, बिकॉज और सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है और मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। मिलते हैं नीचे। हम लोग जा रहे हैं वापस अब नीचे जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं अब ब्रेकफास्ट करने, सब लोग नूडल मंगाए, ब्रेड ऑमलेट, और खुशी अपनी मैगी, वेज मैगी यमी यमी खा लो। सो अभी हम लोगों ने मंगाया एक आलू पराठा, मिक्स वेज पराठा, चाय वगैरह सब। तो हम लोग अब ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। सो हमने मंगाया है आलू पराठा, मिक्स वेज पराठा और मैगी और मंगाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है, यमी यमी। तो हम लोग दो मैगी और मंगा रहे हैं। हेलो एवरीवन, सो हम लोगों ने अभी नाश्ता कर लिया है और यहाँ पे किया है न्यू बिरयानी कबाब रेस्टोरेंट, एक नंबर खाना था बताए, मतलब इतना अच्छा टेस्ट था, इतना अच्छा टेस्ट था। तो आप लोगों को ये वाला जो मसूरी लाइफस्टाइल ये है उसके सामने ही है जस्ट, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो और बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा खाना। हाँ, तारंगी होटल के सामने है ये जो मेन तारंगी होटल है ना, वहाँ के उसके जस्ट सामने ये है। बाय बाय होटल, हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से, बाय। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा हम लोगों ने चेकआउट कर ही दिया था और अब हम लोग सबसे पहले आ गए हैं बुद्धा टेम्पल। अभी ऊपर जाके दिखाऊंगा, मुझे भी नहीं पता, मैंने बस गूगल में डाला और ये दिखाया था। तो ये है प्लेस, वो ऊपर जाना है हम लोगों को चल के। ये वहाँ पे धर्मशाला में भी है। अच्छा, बिल्कुल सही, हम आ गए यहाँ पे। और क्या ऐसे बना हुआ है धर्मशाला? अच्छा, वाह, वेरी नाइस प्लेस। सेम इसी टाइप की, मतलब वो बनी है ऐसा, समझो वो बड़ा होगा थोड़ा। हां, थोड़ा सा बड़ा होगा, स्पेस ज्यादा। हां हां, अच्छा, वो हरी वाली कलानी उसमें। कितना प्यारा है ना डूडू। ओ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से। मेरा टिकट 50 रुपीज़। फिर ऐसे शॉप्स है, आगे फाउंटेन वगैरह है, अच्छा है आगे भी। देखो आप, कैबेज, पर्पल और वाला वहाँ तक वो ही लगी हुई है। तो हाँ, बैठ गई चुहिया जाके। आप सही रही, हाइट कम पड़ गई। जीजू को बोला आपने, अच्छा आ रहा है यहाँ पे। डोडो कर रहे हैं गन शॉट। हम लोगों ने बोटिंग का आइडिया स्किप कर दिया बिकॉज यहाँ पे बहुत छोटा सा है और मन भी नहीं है इसलिए यहाँ पे इतने छोटे में करने का। तो हम लोगों ने सोचा है देखते हैं कहीं और होगा तो वहाँ पे करेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डोडो की शूटिंग बाजी। अरे कौन सा मारो, वो मारो ना। आप कोई कलरफुल है नहीं, कोई सा भी मारो। सबसे ऊपर के तीन उड़ा दे रहे इस बार के, वो छोटे छोटे। हाँ, गया ऊपर, गया, टूट गया। उसमें हवा कम है इसलिए फट गए। आर्टिफिशियली बनाया गया है ये वाला। कोई काटते रहे ऐसा, दांतों से काट लियो, काट काट के सड़क बनाना कितना मुश्किल है। अब हम लोग जा रहे हैं कैंटी फॉल। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं शॉपिंग करने के लिए और अभी हो रहा है 3:15। लेट्स सी किधर से जाना है। यहाँ पे नहीं अभी नहीं, लौट पे देखो। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नीचे जा रहा हूँ। ऐसे
यहाँ से उतरने में तो सही लग रहा है, चढ़ने में तो आफत हो जाएगी सही में। उतरने में तो पता नहीं लगा, चढ़ने में हालत खराब हो रही है सबकी। सही में यार बहुत ही ज्यादा वैसी सीढ़ियाँ हैं ये। वो शूज पहन रखे यहाँ पे, ऐसे शॉप्स भी हैं। वही हील्स वील्स तो है ही नहीं यहाँ के लिए। डोडो को फिर से गन वाला मिल गया, उनको इसमें मजे आ रहे हैं। वो गन खरीद के रहेंगे मुझे लग रहा है अब, राइफल। और खुशी अपने मकसद से पूरी है, उधर देखो अपनी शॉपिंग कर रही है। खुशी देखो शॉपिंग की दुकान पे, मैं तो कुछ नहीं ले रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब तो वहाँ पे भी मिलता है। क्या है कीरी, इतनी मेहनत करा है इसकी वजह से, वरना रोपवे से आते। अच्छा लग रहा है बट मुझे ये ना बहुत प्यारा। अपने पैर कटवा के हम मम्मी के लिए एक हमने जूड़ा पहन ली, पॉकेट में है, पॉकेट में। क्यूट सी। यस ये दिन भी अब ख़त्म होने को आया है और हम लोग आ गए हैं देहरादून। नीचे कैंपटी फॉल से डायरेक्टली हम लोग देहरादून आ गए थे। तो ऐसी रही हमारी एनिवर्सरी, होप करती हूँ व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें जैसे आप लोग देते आए हैं। और सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें वीडियो को, बिकॉज़ आप देख तो रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी बस हम लोग आज का हमारा स्टे जो है वो मेरी दीदी हैं, मेरी ताऊ जी की बेटी अमिता दी एंड राहुल जीजू के घर पे स्टे है आज हमारा। और आप लोग जानते ही होंगे उनको क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में उनको ले रखा है और वो बहुत सारी वीडियोस में है मेरे। सो यस, आज उनका स्टे होने वाला है। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, कुछ हाफ एन आवर लगेगा जाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आएंगे। तो होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आएंगे आगे वाले व्लॉग्स भी। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा और बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले सारे व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलो बाय बाय, मिलती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।